वहीं गुरुवार को महापौर नीरज पाल ने सुपेला स्थित सिटी बस स्टैंड से 8 सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में दुर्ग बस स्टॉप से पाटन दुर्ग रेलवे स्टेशन से भिलाई पावर हाउस कुम्हारी एवं कुम्हारी से रायपुर तक की सेवाएं दी जाएंगी। बसों के शुभारंभ अवसर पर निगम आयुक्त रोहित व्यास विशेष रूप से उपस्थित। 15 दिसंबर से दूसरी बार सिटी बस परियोजना शुरू की जा रही है। सुपेला स्थित सिटी बस स्टैंड से पहले दिन 8 बसों को महापौर नीरज पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में दुर्ग से कुम्हारी और कुम्हारी से रायपुर तक की सेवाएं दी जाएंगी। इसके अलावा चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल कचांदूर सहित कुछ रूटों को कवर किया जाएगा। वर्तमान में सुपेला स्थित बस स्टैंड में अनेकों सिटी बसें कंडम हालत में खड़ी हैं। चरणबद्ध तरीके से संधारण करने के उपरांत इन्हें विभिन्न रूटों पर चलाया जाएगा। जिन बसों का संधारण पूरा हो चुका है उन्हें गुरुवार को रवाना किया गया। सिटी बसों के संचालन को लेकर महापौर नीरज पाल, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, आगे की क्या योजना जो आज 10 बजे से शुरू हो रही है, उसके बाद लगातार अब कब बाकी बसों का मैम पीछे का मुद्दा? आज दुर्ग अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के तत्वाधान में 10 सिटी बसों का संचालन प्रारंभ हो रहा है। नागरिकों की सुविधा के लिए हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अर्बन मोबिलिटी में हम लोग कुछ अच्छा कार्य करें। आज 10 बसें स्टार्ट हो रही हैं। हमारा प्रयास ये है कि बाकी बसें जो हैं, जो कंडेम्ड हैं, उनको भी धीरे धीरे हम लोग रिपेयर करा के हर महीने 10 से 15 बसों को धीरे धीरे करके स्टार्ट करें। कुल हमारे पास 69 बसें हैं, हम सभी बसों को प्रारंभ करेंगे। सर, ये सुविधा कब तक जारी रहेगी? क्योंकि पूर्व में भी देखा गया था स्थिति बस शुरू हुई लेकिन बाद में उसका कुछ महत्वहीन हो गया। पूर्व में चूँकि कोविड के टाइम पर ये बंद बसों का संचालन बंद हो गया था। कोविड के टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उसमें शायद आर्थिक क्षति हो रही थी, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। हम लोगों का भी पूरा विश्वास है कि ये अब सतत रूप से चलता रहेगा और अब इसमें आगे कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सर। आज से शहर को मिलने वाली है, आज से फिर शहर को एक नई सौगात मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही है कि जितनी बेहतर सुविधाएं हम अपने छत्तीसगढ़ के निवासियों को दे सकें, उसी के तारतम्य में दुर्ग जिले में 2015 में सिटी बस का जो संचालन शुरू हुआ था, जो बंद हो गया था 2020 के आसपास, वो फिर से एक बार हम लोगों ने प्रयास किया है। शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये आज से फिर ये प्रारंभ होने जा रही है। आज 10 बसों से शुरुआत होगी, टोटल 69 बसें हैं। धीरे धीरे करके ये बसें फिर से रोड पे आएंगी, जिससे हमारे पूरे दुर्ग जिले की लगभग 20 लाख की आबादी, लगभग 20 लाख की आबादी है, उसको लाभ मिलेगा। नगरी निकाय क्षेत्र की लगभग 6-6.5 लाख की आबादी है, उसको भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये फिर से एक बार सिटी बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन किया गया है। 15 दिसंबर से आज महापौर नीरज पाल द्वारा सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आप इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी बस परिसर सुपेला में, आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादातर बसें जो पूरी तरह से कंडम स्थिति में हैं और जिनका रख रखाव की ओर बराबर ध्यान नहीं देने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। अभी 8 बसों को आज की तारीख में रवाना किया गया है। 15 दिसंबर को जो विभिन्न रूटों पर चलकर लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे, कुम्हारी दुर्ग जिले से लेकर रायपुर तक जाएंगी सहित इसके अलावा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका परिचालन लगातार जारी रहेगा। क्योंकि महापौर जी का कहना कि सभी बसों का संधारण कार्य कराकर इसे भी सड़कों पर लाया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब से सिटी बसों का परिचालन बंद किया गया था उस दौरान इसका किसी तरह का रख रखाव सुपेला सिटी बस डिपो में नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये बसें जो नई बसें आई थी पूरी तरह से कबाड़ हो गई। किसी के टायर नहीं है, किसी का कांच फूटा है, किसी की सीटें फटी है। एक प्रकार से कहा जाए तो पूरी 90% सिटी बसें कबाड़ हो चुकी है, जिन्हें एक निजी ठेका एजेंसी को दे करके इसका संधारण किया जा रहा है और इसका परिचालन किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि इसका परिचालन अब लगातार जारी रह पाता है अथवा नहीं, चूँकि लाभ को दृष्टिगत रखते हुए एजेंसी द्वारा इस कार्य को सिटी बस के परिचालन के कार्य को लिया गया है। अब ये समय ही बता पाएगा उन्हें कितना लाभ मिल पाता है, क्योंकि सिटी बसों के चलने से लोगों को बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त होती थी।
लगातार हर 5-10 मिनट पर सिटी बसों का परिचालन होने से लोग कम किराए में अपने गंतव्य तक पहुंच पाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि किन्हीं कारणों से नगर निगम प्रशासन को इसे बंद करना पड़ा। अब भविष्य में यह सुविधा का देखते हुए कहा जा सकता है कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा, लेकिन इन बसों के संधारण को लेकर के भी किसी हर तरह का प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, जिससे दुर्ग जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी सिटी बसों का लाभ प्राप्त हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।